सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह शायद तू जानता नहीं ये लड़की किसकी मुलाजिम है और किसके लिए काम करती है। तुझसे किसने कहा कि वो गुंडा है? मैं कब गैर संजीदा हूँ सबा? अब आंटी को तुमने ही समझाना है। आपके सामने क्यों उठाने लगा वो नजरें? चौधरी जी वो आसिम खान के बंदा मारी छोरी नाजो ने उठा के ले गई। आसिम की ये जुड़ा Change is always good, right? अरे वाह, माशाल्लाह। इस वक्त इतना तैयार होने की क्या जरूरत पड़ गई? अब इस ढूंढने का कोई फायदा नहीं। ये बात इतनी मुश्किल तो नहीं है कि इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप मोहब्बत करते हैं ना, अगर वो किसी और से प्यार करे तो तू बता किस कसम की बात कर रही है? पता है जब डैड ने समन से शादी करनी थी तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था। और तुमने यकीनन मना किया होगा? नहीं नहीं, मैंने खुद इजाजत दी थी ना शादी करने की। जी बैठो बैठो, तुम्हें आ जाने की क्या जरूरत थी? दो तीन दिन आराम ही कर ली थी। जी वो कुछ जरूरी हिसाब किताब था तो मैंने सोचा मैं बाद में कहीं भूल ना जाऊं तो कहीं ऐसे आपका नुकसान हो जाता, इसलिए मैं आ गई। ऐसा कौन सा जरूरी काम? बहरहाल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो नाजो, परेशान होने की कोई बात नहीं, गांव में मैंने अपने बंदे छोड़ दिए हैं, अब कोई आंख उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन हो सके तो इस हादसे को भूल जाना, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। जी ठीक है, जी ठीक है, और कोई बात नहीं आती क्या? जुदाई की मैंने कैसे बर्दाश्त की सिर्फ मैं जानता हूँ। ये दूरी तो अब उम्रों पे फैल चुकी है समीर।
अब मेरी शादी हो गई और सुफियान मेरा शौहर है। ये बात मैं चाहकर भी नहीं बुला सकती। मैं नहीं मानता इन जबरदस्ती के रिश्तों को। मैं जानता हूं तुम सुफियान के साथ कुछ नहीं हो। रिश्तों की सबसे बड़ी अब वो धड़कता भी है। तुम्हें इस दिल को समझाना होगा समीर। इस दिल की धड़कने कहीं हमारी जिंदगियों को तबाह ना कर दे। तुम इतने संगीत तो नहीं थे समय। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? How can you do this? मोहब्बत करने वालों की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। वो कभी भी अपने प्यारों को इस इम्तिहान में नहीं डाल सकते। हरगिज़ नहीं डाल सकते। नाम लेने का इरादा भी ना था। नाम लेने का इरादा भी ना था। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ समीर। दोबारा वही गलत नहीं दोहराना चाहता समय। इस बार यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा। इश्क ही मेरे लिए काफी था। इश्क ही मेरे लिए काफी था। इश्क ही मेरे लिए काफी था। हर खता पे क्यों सजा बेवजह। ना ना बेटा तू रह, तू शहर में रह। हम उरे बाप बेटी मरे जिए धारा कोई लेना देना नहीं इस बात से। ओहो अब्बा जी हुआ क्या है? कुछ बता तो रहे नहीं आप मुझे। अरे जब तूने आना ही नहीं गाँव हमारे पास तो क्यों बताए तने? क्या फायदा? अरे तूने तो बाप और बहन को जीते जी मार दिया है। थारी तरफ से तो हम मर गए। अल्लाह थारे जैसी औलाद ना देवे किसी को। मैं यो कह रहा। अच्छा अब्बा जी जब आपके ये कोसने खत्म हो जाए ना तो फिर आप मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं बैठा हूँ यहाँ और सब सुन रहा हूँ आपकी बात। अरे तू ना कर भाई। यो सहन भी ना कर। यो जो तू फोन सुन रहा है ना मारा, यो भी सहन ना कर मेरे पे। हैं हमारा अल्लाह मालिक से। यो तो मैं पागल सू जो फिर तने याद कर लू। ऐसी बात नहीं है अब्बा जी। याद मुझे भी आप बहुत आते हैं। मुझे नाजो भी बहुत याद आती है। लेकिन जब आपको नाजो को जब भी मैं याद करता हूँ तो गांव से जुड़ी हर याद मुझे बहुत सताती है। और उन्हीं यादों से पीछा छुड़ाने के लिए तो मैं शहर आया हूँ अब्बा जी। अरे शादी हो गई उस जल्ली की। ठीक से वो अपने घर में खुश है। इब और कौन सी चीज तने रोके गांव में आने को? बेवफाई और हरजाई होने के ताने जो गांव की हर दीवार पर लिखे दिखाई देते हैं मुझे। हर गली में सुनाई देते हैं मुझे। नदीम अरे बेटा तारी बहन इब बड़ी हो गई से। अब मेरे साथ साथ उसने थारी भी जरूरत है। अब्बा मैं सब समझता हूँ। अंदाजा है मुझे। और अगर मैं गांव आया भी ना बचे तो नाजो के लिए ही आऊंगा। बहुत याद आती है वो मुझे। अरे चल मेरे लिए ना सही, उसने मिलने बहन को मिलने ही आ जा। लेकिन आ तो जा भाई। आऊंगा अब्बा जी जरूर आऊंगा। अल्लाह जाने तू कब आएगा। अरे थारी माँ थारा रास्ता देखती मर गई। मैंने तो लागे
इब मैं मरूंगा तो तब तू आएगा। अब्बा जी ऐसी बातें ना करें, मैंने कहा ना कि आ जाऊंगा। अच्छा भाई देख लेते हैं कब आएगा तू, यो वादा भी देख लेते हैं, हैं? अपना ध्यान रखना। ठीक है अब्बा जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और नाजो का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ऐसा क्या हो गया, आप तो बहुत दिल से उसे ढूंढ रहे थे। इस सारा मसला जो है ना इस दिल का ही होता है। फिरान की शादी पर मैं एक जबरदस्त इनाम दूंगा तुझे। जी क्या कह रहा था ये? मैं तो खुद उसके लिए परेशान हो रही हूँ। Thank you so much. You're welcome. कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ मैं, बहुत तब्दीली आई है आप में। खैर है? अच्छा थोड़ी देर नहीं कर दी आपने ये तब्दीली महसूस करने में? क्या मतलब? मतलब ये कि ठीक कह रही हो तुम, मैं खुद भी अपने आप में कुछ चेंज महसूस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। इस तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? आई डोंट नो, कोशिश कर रहा हूँ जानने की लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा चलिए जब पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा? इस शहर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना है नहीं। वैसे आपको वो चीज तो नहीं मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे? कौन सी फेवरेट चीज? वही आपकी फेवरेट चीज जिसके लिए आपने पूरा शहर घुमा दिया था मुझे। वो हाँ वो मिल तो गई है यार लेकिन नहीं भी मिली वो पहले जैसी बात नहीं है। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया, आप तो बहुत दिल से उसे ढूंढ रहे थे। इस सारा मसला जो है ना इस दिल का ही होता है। चल छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये नेकलेस लाया तुम्हारे लिए। गुजरा था नजर आया मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा तुम्हें सूट करेगा इसकी जगह। अच्छा लगा? This is amazing. Thank you so much, Sabir. This is really nice. You're welcome. भाई वाह नाजू,
वालेकुम अस्सलाम। भाई तुमने तो फिजान का सारा काम संभाल लिया। तेरे हवेली में आने से मेरी आधी परेशानी खत्म हो गई है, वरना ये मुंशी रोज सारा हिसाब किताब गड़बड़ कर देता था। फिजान बता रहा था बहुत मेहनती हो तुम, बस इसी तरह मेहनत से काम करती रहो। फिजान की शादी पर मैं एक जबरदस्त इनाम दूंगा तुझे। जी? तुझे वो सलामत ने बताया नहीं कि मैंने फैजान की शादी चौधरी वजाहत की बेटी के साथ तय कर दी है। बस अब तो तारीख रखने जाना है। 50 मुरब्बे की अकेली मालिक है वो लड़की। बड़ा खुश नसीब है फैजान, है ना? जी चौधरी साहब। फिजान की शादी पर तू अपनी सब सहेलियों को बुला लेना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? खाला साग है, आज ही आया गांव से। अच्छा, तो आप लोगों के लिए आया होगा ना? नहीं खाला, मैंने अपना हिस्सा खा लिया है, ये आपका हिस्सा है। हाँ, जीता रहा बेटा, जीते रहो। क्या देख रहे खाला? सबा नहीं दिखाई दे रही। वो तो अभी तक आई नहीं, मैं तो खुद उसके लिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा खाला, एक बात कहूँ? हाँ बोल। वो ना खाला, आप कभी कभी सभा के। अच्छा खाला मैं चलता हूँ। अरे चाय पीता जा। नहीं खाला मैं चलता हूँ। क्या कह रहा था ये? पता नहीं, तेरा ही नाम लिया था, कहते कहते रुक गया। तू इतनी देर से कहाँ से आ रही, ये वक्त है तेरी यूनिवर्सिटी का? वो बस बस, अब नए बहाने बनाना ना शुरू कर देना। क्या मेरे लिए लेके आए? गुजरा था, नजर आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा तुम्हें सूट करेगा इसलिए लेके। बेवजह
मुझे शादी करनी है। तो ये क्या कह रहा है तू फैजान? कहने लगी जी इब तो मैंने हवेली कभी जाना ही नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करने लगा? ये सारी दुनिया मिलके भी हमें एक होने से नहीं रोक सकती। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो ये दफा हो, चौधरी साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब्बा जी, मैं फैसला कर चुका हूँ, मुझे शादी करनी है। बड़ा अच्छा है। वैसे मुझे पहले ही पता था कि मेरे बेटे के दिल में कुछ चल रहा है आजकल। तो आपको पता चल गया था? अरे बाप, तेरे फैजान, तो फिक्र ना कर, मैंने चौधरी वजाहत से बात कर ली। वो और भाभी किस दिन आएंगे, जब तू कहेगा और वो आके बात पक्की कर लेंगे। चौधरी वजाहत से कैसी बात की है? अरे जब भैया से तेरी शादी के पुत्र, और क्या बात पक्की करनी है उन्होंने? लेकिन मैं जवेरिया से शादी नहीं करना चाहता, आप मना कर दें। चलो कोई बात नहीं है। वैसे मैं ये तो बताओ कि मेरा फैजान किससे शादी करना चाहता है? अपा जी, मैं नाजो से शादी करना चाहता हूं। नाजो? अरे ये किस गांव के चौधरी की बेटी है? अब्बा जी, नाजो नाजिया सलामत की बेटी है। वो ये क्या कह रहा है तू फैजान? और तूने सोचा भी क्यों ऐसा? पुरखों की सारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी, और ये जो तेरी सियासी साख है ना, दो कौड़ी की हो जाएगी। शादी करूंगा तो सिर्फ नाजो से और किसी औरत से नहीं।
आप मेरे लिए लेके आए हैं। माय गॉड। सलामत। जी फैजान बाब। आज नाजो क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? फैजान बाबू उसकी तो तबीयत कभी खराब भी हो जाए तो इधर से आने की छुट्टी नहीं करती जी। तो फिर आई क्यों नहीं? तूने पूछा नहीं? पूछा था जी। फिर मैंने बोला आज तने छोड़ आऊं, कहने लगी जी इब तो मैंने हवेली कभी जाना ही नहीं। मैं समझ गया, मैंने कहा आपने डांट दिया होगा, कोई गलती कर दी होगी हिसाब किताब में, नया नया काम से जी, भूल चुक तो हो जावे। तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करने लगा? अच्छा चल कोई बात नहीं, आज उसे आराम करने दे, लेकिन कल अपने साथ जरूर ले आना। हाँ जी क्यों नहीं लेके आऊंगा, आ जाएगी वो। अच्छा चल जाके गाड़ी निकलवा, जमीनों का चक्कर लगाते हैं। जी ठीक हो गया जी, चौधरियों को जमीनों का चक्कर लगाते रहना चाहिए जी। उम्रों पे फैल चुकी है समीर, अब मेरी शादी हो गई और सुफियान मेरा शौहर है। रिश्तों की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है जानते हो तुम? इस दिल की धड़कनें कहीं हमारी जिंदगियों को तबाह ना कर दे। तुमने तो संगीत तो नहीं सुना? मोहब्बत करने वालों की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, वो कभी भी अपने प्यारों को इस इम्तिहान में नहीं डाल सकते, हरगिज नहीं डाल सकते। तुम प्लीज यहां से चले जाओ समीर। नहीं समन, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता, इस दफा ये सारी दुनिया मिलके भी हमें एक होने से नहीं रोक सकती। कहीं सुफियान की दौलत नहीं जिसकी वजह से आज तुम उसके साथ हो? ये सच नहीं है समीर। बस जॉब शुरू हो जाए तो तुम्हें पता है मेरे सबसे पहला काम यही करना है। और मैं जितना भी चुटला लूं मैं कभी इस बात को भूल नहीं सकती। तुम्हें पता है ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। और तुम मोहब्बत करती हो उसे? समीर की तरफ बढ़ने से पहले सुफियान के साथ अपने रिश्ते के अंजाम को बिल्कुल ना भूलो। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह।
मोहब्बत नहीं करता सफ़ेद, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से प्यार करता। जो बड़ी उम्र के मर्द होते हैं ना, इनका ये मसला होता है। ये सच नहीं है समीर, सुफियान मुझसे मोहब्बत करता है और अब तो शायद मैं। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम सुफियान से मोहब्बत करती हो? तुम आज सिर्फ उसके साथ उसकी दौलत की वजह से हो। तुम ज्यादती कर रहे हो समीर। मैं ज्यादती कर रहा हूं समन, मैं ज्यादती कर रहा हूं, तुम ज्यादती कर रही हो अपने साथ, खुद से झूठ बोल रही हो। क्या ये सुफियान की दौलत नहीं जिसकी वजह से आज तुम उसके साथ हो? क्या उसकी उसकी दौलत ने तुमसे सब कुछ नहीं छीना? तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी, और यहां लाके कैद कर दिया तुम्हें। बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? ये सच नहीं है समीर, सुफियान वाकई मुझसे मोहब्बत करता है और मैं जितना भी चुटला लूं मैं कभी इस बात को भूल नहीं सकती। और तुम मोहब्बत करती हो उसे? नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। गुड न्यूज़ ये थी कि जिस जॉब के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा है कि आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होगा जिसके बाद हम आपको जॉब लेटर ऑफ़र करेंगे, तो टेक्निकली यार जॉब हो गई, गुड न्यूज़ ये थी। अच्छा, तुम्हें पता है ये सब मेरी दुआओं का नतीजा है। मैंने लास्ट वीक बीबी पाक दामन के मज़ार पर मन्नत मांगी थी, अब मैं अपनी मन्नत अदा करूँगी। बिजी हो जाओ यार, अभी फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके बाद एग्जैक्ट पता लगेगा, तभी जॉब लेटर मिलेगा। देखना, ये जॉब सिर्फ तुम्हें ही मिलेगी। चलो अल्लाह करे यार। बस अब जितना जल्दी हो सके अपने अम्मी अब्बू को हमारे घर लाने वाली बात करो। हाँ, बस जॉब शुरू हो जाए तो तुम्हें पता है मुझे सबसे पहला काम यही करना है, और मैं जॉब कर भी इसलिए रहा हूँ यार, नहीं तो तुम्हें पता है अब्बू की दुकान छोटी तो नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन शावेस मेरे लिए एक एक मिनट गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, तो जितना जल्दी हो सके तुम करो। हाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। अब चले? जुदाई कि मैंने कैसे बर्दाश्त की सिर्फ मैं जानता हूँ। मैं नहीं मानता इन जबरदस्ती के रिश्तों को, मैं जानता हूँ तुम सुफियान के साथ खुश नहीं हो। क्या लगता है तुम सुफियान से मोहब्बत करती हो?
تم آج صرف اس کے ساتھ اس کی دولت کی وجہ سے ہو. کیا یہ سفیان کی دولت نہیں جس کی وجہ سے آج تم اس کے ساتھ ہو؟ کیا اس کی دولت نے تم سے سب کچھ نہیں چھینا؟ تمہاری محبت, تمہارا کیریئر, تمہاری زندگی, اور یہاں لا کے قید کر دیا تمہیں. بولو, غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اور تم محبت کرتی ہو اسے؟ شادی کے بعد عورت کی زندگی میں کسی اور مرد کی کوئی جگہ نہیں ہوتی سمن. پہلی محبت کو پھر سے زندہ کرنے میں بڑا خسارہ ہے. اس سے بڑا رسک کسی لڑکی کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. سمیر کی طرف بڑھنے سے پہلے سفیان کے ساتھ اپنے رشتے کا انجام کو بالکل نہ بھول. تو بس مولوی کو لے کر صبح صبح پہنچ جا. اور تو کیا کر رہا ہے صبح صبح یہاں؟ اس نے مجھے اپنی شادی کے کپڑے دکھانے تھے نا. تو پھر اور کون سی شادی کی بات کر رہے ہیں جی فیجان بابو؟ پتا تو تجھے تب چلتا اگر تجھے ماں کی فکر ہوتی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ شاباش, مجھے تجھ سے یہی امید تھی عادل. آپ کے بغیر میری زندگی کا تصور بھی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ہر خطا پہ کیوں سزا بے وجہ.